हेलो दोस्तों, होप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं राहुल राज, MBBS फाइनल ईयर, IIMS BHU। और दोस्तों, अभी अभी एक न्यूज़ आ रही है कि जॉनसन एंड जॉनसन से रिलेटेड, इसको आप जानते होंगे, हम सबके घरों में, खासकर बेबी पाउडर जो होता है जॉनसन एंड जॉनसन का, वो सबके घरों में यूज होता है। तो अभी अभी ये न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट जॉनसन एंड जॉनसन अपील ऑफ $2 बिलियन पेनल्टी इन अ बेबी पाउडर कैंसर केस। यानी कि जो फाइन लगा था $2 बिलियन का, वो अब जॉनसन एंड जॉनसन को देना पड़ेगा। तो अब हम समझते हैं कि ये केस है क्या। तो आप इसको सिंपल सा शब्दों में समझो कि एक कपल थे, उन्होंने, मतलब एक लेडी थी, उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट को करीब करीब 50 साल तक यूज किया है। तो उन्हें जब ओवेरियन कैंसर हुआ, तो उन्होंने इस चीज को केस फाइल किया कि मैं जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट यूज करती हूँ और इसके प्रोडक्ट में एस्बेस्टॉस होता है। ये कहते हैं कि टाल्क होता है, लेकिन उसके साथ कंटेमिनेटेड एस्बेस्टॉस होता है, जिसकी वजह से कैंसर हुआ है मुझे। तो ये केस चल रहा था, इस पे शुरुआत में फाइन लगा था, फिर जैसा इंडिया में होता है कि हाई कोर्ट में फाइन लगा तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने वहां की ये अपील, मतलब रिजेक्ट कर दी उनकी, कि नहीं, आपको फाइन देना पड़ेगा। तो अब हम समझते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है। तो इसके हिस्ट्री को अगर हम समझें, तो देखिए, 1894 में जॉनसन एंड जॉनसन जो थी, वो ये प्रोडक्ट लेकर आई थी बेबी पाउडर का। अब इसमें समझते हैं कि टेलकम पाउडर एस्बेस्टॉस है क्या, कि मतलब ये चीज है कि बोला जाता है कि जो पाउडर में जो कंटेंट यूज होता है, टाल्क जिसको हम बोलते हैं, वो कंटेमिनेटेड होता है एस्बेस्टॉस से, नेचुरली अकरिंग मिनरल्स में। तो एस्बेस्टॉस जो होता है, वो मिजोथेलियोमा कॉज करता है, एक तरह का, बस आप समझे कि कैंसर कॉज करता है। अब बस बात यह है कि जैसा हम हर समय होता है कि कंपनी वाले मानते नहीं है, कि ये शुरुआत में जॉनसन एंड जॉनसन हमेशा ये कहता रहा है कि एस्बेस्टॉस, या तो हम, मतलब पहले तो ये बोलते हैं कि एस्बेस्टॉस फ्री है हमारी प्रोडक्ट, और जब ऐसा कुछ होता है तो वो बोलते हैं कि एस्बेस्टॉस से कैंसर होता ही नहीं है। तो ये जैसा हर कंपनी का है, वैसा इनका भी है। अब ये चीज है कि इस समझने की बात जो यहाँ पे ये है कि एस्बेस्टॉस के बारे में जो कहा जाता है कि एस्बेस्टॉस की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ये जो मैं न्यूज पढ़ रहा हूँ asbestos.com पे, तो ये एक आप पढ़ सकते हो जाके। तो शुरुआत में कंपनीज मानती नहीं है, और जब बहुत सारी रिसर्च जब आई, तो उसको क्या होता है, जो कॉरपोरेट होते हैं वो उसको कवर अप कर देते हैं कि हाँ भाई, एस्बेस्टॉस से कोई दिक्कत नहीं है, और वो इस तरह के प्रोडक्ट में यूज करते जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक इन्फॉर्मेशन है जो हम सबको रखनी चाहिए, कि देखिए, मतलब कंपनी किस तरह से मैनिपुलेट करती है चीजों को। और अगर हम बात करें इंडिया में, अगर इसको हम एक ले सके, इसको एक मार्क ले सके, तो हम इंडिया में बात करें, तो क्या इंडिया में हमारी लॉ इतनी पावरफुल है? तो आंसर इज नहीं, क्योंकि कोई यहाँ पे क्योर के नाम पे इम्यूनिटी बूस्टर बेच जाता है। होप कि आप सब समझे इस बात को। तो वो चीज है, तो इंडिया में, हमारे इंडिया में भले ये चीज नहीं हो, बट ये न्यूज हम सबको पढ़नी चाहिए, जो भी इसके कस्टमर है। और हुआ क्या है कि ये जॉनसन एंड जॉनसन जो है, US में और कनाडा में, दो जगह पे जहां इनको लीगल ट्रबल झेलने पड़े, वहां पे इन्होंने बैन कर दिया। बट बाकी कंट्रीज का क्या, जो बाकी कंट्रीज के लोग जो इनके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, अभी भी इनका जो टोटल रेवेन्यू है वो करीब है 81.6 बिलियन डॉलर का। तो बाकी कंट्रीज का क्या, तो होप देखते हैं बाकी क्या न्यूज आता है। बट जो न्यूज है वो आप सबको जाननी चाहिए कि जॉनसन एंड जॉनसन का, और ये हमारे लिए भी जरूरी है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच।